बढ़िया, स्वर्ग है, स्वर्ग आनंद, और बहुत किस्मत वालों को यहाँ आना मिलता है। हम तो यही प्रार्थना करें। ये हनुमान चट्टी का मंदिर है। यहाँ पे एक रहस्य बात यह है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि भीम का कमल कितने दिन में पहुँचे आप? ढाई महीना लग गया। अरे वाह बाबा जी, इस उम्र में बाबा जी हैं, पैदल चल रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा बाबा जी। जाएंगे हैं, पैदल जाएंगे। गर्म पानी है। पीला पीला क्यों आ रहे हैं? चंदन, तुलसी, केसर, शहद, घी, तुलसी इत्यादि से नारायण के जो सुबह स्नान होता है। नमस्कार, सुप्रभात। आज हमारा तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन हम लोग बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। कल रात को हम यहीं रुके थे पांडुकेश्वर में, तो यहीं से हेमकुंड साहिब को भी रास्ता है, जो सिखों का तीर्थ स्थल है, और यहीं से फूलू की घाटी को भी रास्ता है, और यहाँ से कई लोग हेमकुंड साहिब को ले जा रहे हैं। तो कम से कम एक दिन पूरा लगता है, एक दिन से ज़्यादा वहाँ पैदल है। बहुत बहुत हाइट में है वो जो हेमकुंड साहिब है, तो कभी हम लोगों का भी जाने की इच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और पहाड़ों के बीच में यहाँ पर ही पांडुकेश्वर है। और कल रात को तो बहुत, मतलब जो अलकनंदा नदी का जो बहाव था, जो उसका जो उसकी आवाज़ थी, उसने हमको डरा दिया था। तो अभी हम लोग, बहुत देर हो गई है, और जल्दी से हम लोग बद्रीनाथ को निकल लें। पांडुकेश्वर से हेमकुंड साहिब के लिए चौपर भी जाते हैं, आप उससे भी आप लोग हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। नीरज भाई का बर्थडे है, और आज हम लोग बद्रीनाथ में सेलिब्रेट करेंगे। केक क्या काटते हैं, केक काटते हैं, फल काटते हैं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो अभी हम लोग पांडुकेश्वर से आगे निकले हुए हैं, और बड़े डेंजर जो है इधर, मतलब मुझे गाड़ी को ड्राइव करने में बहुत डर लग रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे नदी का बहाव और उसकी आवाज़ आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में रेड अलर्ट घोषित है, भारी बारिश की चेतावनी यहाँ चल रही है, पूरी नदी उफान पे अपनी चल रही है। देख गढ़वाल के पहाड़ तो बड़े डेंजर हैं, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कन्नो अभी मैंने वहाँ पार किया, हम लोग चाय पी लेते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं बद्रीनाथ को। हमने सुबह से चाय वाय नहीं पीती थी, अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, तो अभी हम लोग थोड़ा छोटी छोटी चाय ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा ढाबा है, बहुत अच्छी चाय, बहुत बढ़िया है। हम लोग पहुंचे हैं, ये कौन सी जगह है? हनुमान चट्टी है। हनुमान चट्टी पर पहुंचे हुए हमने, कुछ अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह ले लिए, एक टोपी ले ली नीरज भाई ने, और मैंने अपने लिए एक गमछा और ये ले लिया है। तो ये भाई जी मुंशियारी के हैं, तो वहीं पिथौरागढ़ के हैं, तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग आपस में मिल रहे हैं। और ये भाई साहब भी मिलना चाहते हैं। हेलो जी, क्या हाल है?
बहुत बढ़िया, स्वर्ग है, स्वर्ग आनंद, और बहुत किस्मत वालों को यहाँ आना मिलता है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा सबकी सुने और यहाँ जरूर एक बार दर्शन करें। आप कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। अच्छा, बढ़िया। हो गया आगे? हाँ, चारों धाम करें। अच्छा, लास्ट टाइम। दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं। तो आप हमारा चैनल गिरदा पहाड़ी करके, गिरदा पहाड़ी हाँ, गिरदा पहाड़ी, उसमें हम लोग ट्रैवल और ये चीजें म्यूजिक से रिलेट हम लोग करते हैं। ठीक, तो आप उसको जरूर। हर महादेव। बता दूं कि यहाँ पे ये हनुमान चट्टी का मंदिर है। यहाँ पे एक रहस्य बात ये है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि भीम का घमंड तोड़ा था हनुमान जी ने। आपने सुना होगा, जब हनुमान जी की पूँछ नहीं उठा पाए भीम जी, तो यहाँ पे वो मंदिर है। आप सामने दिखा सकते हैं। इनसे कुछ और ब्रह्मकमल लाने की बात की तो बाबल भी ब्रह्मकमल पुष्प को लेने के लिए बद्रीनाथ में प्रवेश करते हैं और उस समय रास्ते में एक वृद्ध वानर को लेटा हुआ देखते हैं। वानर की पूंछ से रास्ता रुका हुआ था। भीम उस वानर को रास्ते में हट्टे हेले कहते हैं। वानर ने कहा कि बुढ़ापे की वजह से मुझ में उठने की शक्ति नहीं, इसलिए मुझ पर दया करके उस पूंछ को तुम हटा दो और चले जाओ। उसके बाद भीम बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूंछ को हिला नहीं सके। तब भीम की समझ में आ गया कि कोई सामान्य वानर नहीं है। तब भीम ने वानर से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट। बाबा जी कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर। कानपुर से पैदल? पैदल ऋषिकेश। पैदल ऋषिकेश से अभी पैदल आ रहे हैं आप? तो अभी कहाँ तक जा रहे हैं? यात्रा हो गई हमारी, बद्रीनाथ जाके आ गए। बाबरे, कितने दिन में पहुंचे आप? ढाई महीना। अरे वाह बाबा जी, इस उम्र में बाबा जी हैं, पैदल चल रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा बाबा जी। जाएंगे है? पैदल जाएंगे भी। पैदल रिश्के जाएंगे फिर? हाँ। तो रहने खाने का क्या रहता है बाबा जी? सब भोलेनाथ आप देंगे तब पाएंगे। हम लोग पहुंचे हैं बद्रीनाथ से और भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ प्रकृति के भी अजीब रंग हैं। एक तरफ ग्लेशियर की नदी अलकनंदा, जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री है, और उसके बिल्कुल जस्ट बगल में गर्म कुंड, जिसमें कि हम हाथ भी डालना मुश्किल होता है। कुंड है और बहुत गर्म पानी इसका है, मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है उबला। आप देख रहे हैं आप, और ये तो ये बड़ा मतलब रोमांचकारी है हमारे लिए, तो हम भी नहाते हैं। ये तप्त कुंड है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, थोड़ा भाप बन गया, उबल रहा है, और देखिए ये गंडक का पानी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा और गर्म पानी है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे आप लोग? बद्रीनाथ से भाई साहब, मेरे भाई यहाँ पे यूट्यूब के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आप कहाँ से आए? अरे मैं मास्क नहीं निकालता कभी, मैं चोर की तरह लगता हूँ। अरे
बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चार धामों में से एक यह एक प्राचीन मंदिर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3133 मीटर है। तो आखिरकार हम लोग पहुंच गए बद्रीनाथ और ये धाम चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ तो बद्री विशाल विष्णु भगवान की यहाँ शालिग्राम रूप में जो मूर्ति है, क्योंकि हम लोग पहुंच गए तो दर्शन के लिए बहुत बहुत लंबी लाइन है और देखो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ अभी आए हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग कितने बजे हमारा नंबर आता है, हम लोग भी लाइन पर लगते हैं। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की मौसमी दशाओं के कारण यह वर्ष के 6 महीनों अप्रैल से अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक ही सीमित अवधि के लिए खुला रहता है। यह नर और नारायण पर्वत के बीच में तलहटी में स्थापित है। कहते हैं कि जब नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो उसकी जो पूजा होगी वो भविष्य बद्री में होगा। तो अभी देखें आप साथ में ये क्या है बाबा जी, नर नारायण ये वाला, हाँ ये वाला नारायण पर्वत बता रहे हैं बाबा जी, और वो जो उधर है वो वाला नर पर्वत है। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रम से अगले जन्म में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। एक कथा और आती है महाभारत कालीन की, मान्यता अनुसार इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत पाए जाने वाले बद्री यानी बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। तो एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन बजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। तो ये चरणों से आता है इसका बद्रीनाथ जी के चरणामृत कब आता है, सुबह जब पूजा होती है तो कितने प्रकार का ये रहता है, जैसे इसमें पीला पीला क्यों आ रहा है? चंदन तुलसी केसर शहद घी सूर्यवंशी इत्यादि से नारायण के सुबह स्नान होता है। कुल्हड़ में, हाँ कुल्हड़ में क्या रेट है? कुल्हड़ में 40 का भाई। अच्छा, तो अभी हम लोग रुके हुए हैं, केसर दूध है, केसर है नहीं है पता नहीं, केसर दूध है तो हम लोग, हाँ तो ये दूध पी ले रहे हैं। कुल्हड़ बहुत छोटे हैं, बड़े बात नहीं है कुल्हड़ से, तो ये तो बहुत ऊपर है कुल्हड़ में, और इसमें कितना अंतर आता है? कुल्हड़ हमें महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है तो मान लिया 80 का सॉलिड केसर तो बड़ा था हमारे इसमें। तो यहाँ से इससे आगे को फिर इनर लाइन पास बनता है, आगे चाइना बॉर्डर है। न पूछो जमानों से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। उधर साइड से ये तो यहीं पर छुप जाती है, फिर ये इलाहाबाद में दिखती है। वहाँ जा रहे थे स्वर्ग पांडव लोग, नदी का बहाव बहुत तेज था, ठीक तब द्रौपदी ना चल नहीं पाई, डर गई थी नदी को देखे। बारिश बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन हमने ठाना है हम लोग वसुधारा जाएंगे। अरे बार रुको, बारिश से हम लोग उधर तीन पहाड़ी उधर जाना है, देखिए रास्ता कैसा, और बारिश हो रही बहुत तेज, चलते।